संभावना ई छे कि जे हम सब लोकसभा से आगामी चुनाव लड़ब जे कि एखन तक निर्णय सुनिश्चित नहीं भेल है, दू तीन दिन का भीतर में अपना सब का अवगत भ जेतै एकटा विषय वस्तु पर सोच से युवा राजदेव शाह जी, मधुकर जी, लक्ष्मी शाह जी, श्री शंकर शाह जी हमर सबके बीच में उपस्थित, चंद्रदेव शाह जी लगात अठाम संपूर्ण युवा साथी, बुजुर्ग महिला, सदनबीन, पत्रकार मित्र सब गोटे में हम नमन करे ला चाहे छी, प्रणाम करे ला चाहे छी आ जय मधेश के अभिवादन करे ला चाहे छी। जय मधेश। आई नए साल 2079 साल के आई प्रथम दिन एक हफ्ते उनका उपलक्ष्य में संपूर्ण नगरवासी, देशवासी में और विदेश में रहल साथी भाई दीदी बहन के सेहो उतर उतर प्रगति हो, मंगलमय शुभकामना हो सेहो कामना ला चाहे छी, कामना करवा चाहे छी। वास्तव में चुनावी माहौल है, अभी नया साल में नया जोश, नया सोच और नया परिवर्तन के लिए, नया जनकपुर के लिए जैसे हम अपन जैसे दबादारी पार्टी में कहने छी और हम चाहे छी जे एगो जनकपुर के, एगो नया जनकपुर के निर्माण करी। हमर जो लक्ष्य छै वो आइ से नहीं छै, हमर ओना राजनीतिक पीठ अगर देखल जाए तो हम 46 साल के आंदोलन से शुरू करले छी, एक दिन हम कार्यकर्ता के रूप में छलिया, लेकिन जब 20 वर्ष के चुनाव नहीं भेले तकर बाद जे है से हम निर्वाचन के जब घोषणा भेले तो बहुत आदमी ई कह वाला भेले जे जनकपुर धाम के 7 नंबर वार्ड जे है से तही समय के स्थापना वाला वार्ड छै, लेकिन आज तक ला जनकपुर धाम उपानगर वार्ड नंबर 7 में एगो वार्ड करेले नहीं छलिया, कोनो भयतुक कोनो संरचना नहीं छलिया, बहुत जर्जर अवस्था छलिया। तो आइय के जनता के ई महसूस भेले जे नहीं जानकी राम जी अगर होते वार्ड अध्यक्ष में तो 7 नंबर वार्ड एगो नमूना के रूप में अगर विकास होते से महसूस कलकिन और सब गोटा के सहयोग से हमरा जितलखिन और वही अनुरूप हम 7 नंबर वार्ड के जैसे विकास एगो नमूना के रूप में करो में सफल भेली और किस बाकी छे जे आवे वाला दिन में पूरा होते। तै दुआरे अई दुआरे कह रहल छी जे जनकपुर धाम उपानगर नंबर 7 में अपने के वार्ड कार्यालय के सेहो निर्माण नहीं छलै, वार्ड कार्यालय के निर्माण कैलिए, तकर बाद ज्येष्ठ नागरिक भवन के निर्माण कैले छी, तकर बाद मिथिला संस्कृति अध्ययन केंद्र के निर्माण कैले छी, तकर बाद अपने के 7 नंबर वार्ड में जतेक मठ मंदिर छै ओकर हरेक मंत्री मंदिर के जे है हम जीर्णोद्धार और ओकर विकास, ओकर उन्नति प्रगति में जे है हम काम कैले छी, रोड नाला में काम कैले छी, मस्जिद मदरसा में काम कैले छी, श्मशान कब्रिस्तान में काम कैले छी, हरेक क्षेत्र में हरेक क्षेत्र के समेट के हम काम कैले छी। हमर एके गो लक्ष्य है कि सबके साथ, सबके विकास और सबके जे है विश्वास लगे जाए अभेर के अगर दबादारी छे हमर तो हमरा खुश पड़िया जे नगरवासी अये के आम समुदाय हमर सके वार्डवासी के प्रेरणा से जे आइ हमर उम्मीदवारी छे जे सब तर से आवाज अबे छे जे नहीं जानकी राम जना 7 नंबर वार्ड में एक बेर कहल के लक्ष्य रखल के जे जीतबे तो किछ करबे, तहिना फिर अहाँ एक बेर लक्ष्य लगे चलो अहाँ के जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर के रूप में लोग देखा चाहिए, वही समाज के, वही नगर समुदाय के हम उनका आभारी छे और हम उनका धन्यवाद सो देवे ला चाहे छे जे हमरा सब युवा के वास्तव में अ जनकपुर धाम महानगर पालिका में महसूस छे आ हमरो ई महसूस होय जे नया जनकपुर बनाबे के लेल युवा के आवश्यकता छे। आइ तक अगर जनकपुर धाम महानगर पालिका अगर आइ अइ जगह छे तो हमें कहीं ना कहीं जनकपुर के हरेक युवा के सहयोग से छे, 20 वर्ष चुनाव नहीं भेलै कहू दिन युवे सब जनकपुर के मतलब जैसे उत्तर प्रगति आकर जैसे सौंदर्यकरण जते भेले कलकै, लेकिन चुनाव के बादो जे अवस्था से जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के वो अहाँ के जै रूप से होबक चाहिए नहीं भेलै, कोनो किस्म के अहाँ के जैसे एगो भी कोनो ओहन ठोस निर्माण नहीं भेल छै जे अपने सबके जानकारी करवाना चाहे छी, न एगो पार्क के निर्माण भेलै, न एगो खेलकूद के मैदान के निर्माण भेलै, कहीं कुछ कोनो किस्म से अगर हम चाहे छी जे एहिठाम कोनो किस्म के ओहन अगर भेल होय तो हमरा हम तैयार
देख के लिए तैयार छे और कह के लिए तैयार छे। एगो शहीद गेट के अपने के सपना आके आये शहीद गेट बनल, लेकिन आज सब देखल नाम छे शहीद गेट, लेकिन वही पर राम जी के भगवान के फोटो रख देने, ये कते दुर्भाग्य के बात है कि भगवान के वजह से हटाव पड़ल कि तो गेट के नाम परिवर्तन करे पड़ल। हमरा बुझाइए आने वाला समय में हम सब एक संशोधन करब से हम विश्वास देव चाहे। ओतबे नहीं, जनकपुर के युवा सब के आई से बेरोजगारी है, जो अवस्था है, जो सर सफाई के अवस्था है, पूर्ण रूप से आके जर्जर है। शिक्षा के अवस्था देख लियो, स्वास्थ्य के अवस्था देख लियो, मतलब हरेक क्षेत्र के अहके जे है एहिठाम देखल जाए तो अवस्था बहुत गंभीर है, नाजुक है। आई राजधानी भग गए जनकपुर धाम, लेकिन राजधानी भ गल के बावजूद भी जो एहिठाम के विकास होबक चाहिए, जो परिवर्तन होबक चाहिए, पूर्ण रूप से अहके भ्रष्टाचारी के रंग में लगा गया है। तै दुआरे युवा के अब अगाड़ी आना बहुत जरूरी है, ऐ सोच के लगे हम अगाड़ी बढ़ल छे और हम आग्रह करब चाहे सम्पूर्ण नगरवासी और वार्डवासी सबसे जो हमारा सहयोग करू आ नया जनकपुर के जे निर्माण करब से हम विश्वास करें। हम फिर से अपने सबके जे है 79 साल के सब गोटे के मंगल में शुभकामना दें। हम सबके जन्म शांत चाहे धन्यवाद। जय मधेश।